Subscribe our channel and press bell icon. What agreements are contract? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि वो एग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। मज़ीद जो है सेक्शन 10 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बताता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट, हर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट होता है, बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हर जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एन एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ऑल द कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल बी सेटिस्फाइड। जो सेक्शन 10 में कंडीशंस बताई गई है अगर वो सेटिस्फाई होंगी तो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट If they are made, सेक्शन 10 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बताता है कि जो एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगी अगर उनमें ये कंडीशंस जो है फुलफिल होती है। पहली कंडीशन कॉम्पिटेंट पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली वो कॉम्पिटेंट हो। इसके लिए जो रेफरेंसेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है सेक्शन 11 एंड 12 जो बताता है कि पार्टीज़ जो हो वो साउंड माइंड हो और जो पार्टीज़ हो उन्होंने एज ऑफ मेजोरिटी जो है अटेंड की हुई हो, यानी 18 साल की उम्र हो पार्टीज़ की। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में वो है कि देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। इसके लिए सेक्शन 13 से लेके 22 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो रिफ़र किया जाता है। कंसेंट जो है पार्टीज़ के बीच में, दो पार्टीज़ जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो एग्रीमेंट कर रही है, उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज़ की जो कंसेंट हैं वो फ्री होनी चाहिए, यानी जो कंसेंट हैं पार्टीज़ के बीच उसमें किसी किस्म का कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर किसी किस्म का जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। वो जो दो पार्टीज़ है, पार्टी ए एंड बी, उसमें कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी से मिसरिप्रेजेंट ना करे या अंडू इन्फ्लुएंस ना होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो कंसेंट हैं वो फ्री नहीं कहलाएगी। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है जो सेक्शन 10 बताता है वो कहता है कि देयर मस्ट बी सम लॉफुल लीगल कंसिड्रेशन। चूँकि जो कंसिड्रेशन है वो ज़रूरी है, कोई भी अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि कंसिड्रेशन हो, विदाउट कंसिड्रेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 इस लिहाज से मैं रेफ़र करूंगा, क्योंकि सेक्शन 25 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बताता है कि एग्रीमेंट विथआउट कंसिड्रेशंस वाइड। इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन सेक्शन 10 में प्रोवाइडेड है वो ये है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। और इसके लिए जो रेफरेंस है वो ये है कि सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 30 तक। तो जो भी एग्रीमेंट होगा पार्टीज़ के बीच में उसका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी है कि लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हो वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ना हो और वो जो ऑब्जेक्ट हो वो लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट ना करता हो, इमोरल ना हो या किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को इंजरी ना पहुंचाता हो। उसके बाद जो है लास्ट कंडीशन फिफ्थ वो है कि एंड सच एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वायड बाय एनी लॉ एनफोर्स इन पाकिस्तान। वो जो एग्रीमेंट है वो किसी भी पाकिस्तान के कानून के तहत वाइड डिक्लेयर ना हो, यानी पाकिस्तान का कानून उसको मना ना करता हो।